करने की सेवा में आज सुबह सुबह सूर्योदय नहीं हुआ तो काम पे आ गए उधर से। हमारे पीछे जो दिख रही है बकरियां है ये लेबर की है, 30-40-50 बकरियां कर ली उसने, 5,000-2,50,000 रुपए। ठीक है, आज लौकी को करीबन 3 रोज हो गए या तीसरा या चौथा रोज है वेजिटेटिव ग्रोथ ले रही है, मतलब इसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही। 2 रोज से तो कहीं आई नहीं, तीसरे रोज भी नहीं थी शायद, चौथे रोज थी एक, मतलब 3 रोज रेगुलर इसको वेजिटेटिव ग्रोथ लेते हुए हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें अपन फल तो निकल चुका है, मतलब कि 1-1.5 किलो जो भी है, 2.5-3 किलो, और 4 से 5 किलो की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें अभी वेजिटेटिव ग्रोथ मोड में है, गिल्की भी वेजिटेटिव ग्रोथ में है। ठीक है ना, इसको वेजिटेटिव ग्रोथ आज से स्टार्ट हो, कल तक ठीक था ये वेजिटेटिव ग्रोथ का रेट कितना चलेगा देखते हैं। आज इसमें हमने और 303 दिया, इसकी पत्तियों पे जरा भी वो नहीं आया, लोजनेस इसमें थोड़ा सा नहीं आया, मतलब ये तत्काल वो ले लेते हैं, मतलब कहीं से भी आप इसको वेराइटी बना सकते हो। ठीक है, और इनमें तो गुलाब और डिपर्ट है, वो चिल्ली इसमें हमने लगाया कि नहीं इसको, और इसको हम शहद और कुछ देते हैं तो पता चलता है। साथ में ही इसमें हमने जितने इसमें बायो और 303 किया, इस पर भी बायो और 303 किया, इस पर भी कर दिया है, और उस लौकी पर भी कर दिया, उधर गॉकिंग पर भी कर दिया। साथ में ही इसमें हमने BSF का फंजीसाइड भी दिया है, इसको डाउनी मिल्डू रोकने के लिए BSF का ही दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ब्लू कॉपर नहीं, ब्लू कॉपर हम किया था, BSF का ही देखते हैं और करते हैं। अभी टेम्परेचर डाउन ही है तो डाउन से अप में जाएगा, उस रेट में एक बार होगा तो होती है कि नहीं होती है। शुरू से इसमें ब्लू कॉपर दे दिया 2 पत्ती, तो इसमें जरा भी सिम्टम्स नहीं है आपका डाउनी मिल्डू के, और इस पर भी बायो और 303 दे दिया। और जो पपीता है इस पर हमने हनी दे दिया आज ऊपर से, तो और फिर पपीता पर आज हम लगाएंगे अगरबत्ती, कि नहीं वहाँ पर भी हमने 302 और 303, और मिर्ची पे चिल्ली जो उधर है चिल्ली पर भी 303 सभी प्लांट पे किया है। ना आज डेट
इसमें ओवर डोजिंग हुआ है फर्टिलाइज़र का, तो एक दो तीन चार, चार खाने इस साइड से हम आधे करेंगे कि नहीं, चार और चार आठ पौधों को हम इसकी रूट्स पूरी धो के वापस को पेट भर के ना इसमें दूसरा वो करते हैं, ये चलते हैं कि नहीं इससे बेटर। इसके बाद इसको वाटरिंग कर देंगे फुल और पॉली हाउस में रख देंगे एक दिन के लिए, पानी सूख देगा ऊपर तक ये। बिल्कुल इसने सोख लिया, भारी हो गई ट्रे, और इसको हम रख देंगे यहाँ पर एक दिन के लिए पॉली हाउस की, इसको मॉइस्चर मिलता रहे, जो हमने किया है वो डैमेज ना हो। साथ में पपीते का फोटो भी आ जाएगा, ये हमने रख दिया पपीता पूरी तरह से फ्रेश है पॉली हाउस में, इसमें वो टमाटो तो बहुत ही शानदार पपीता, इसमें हम अगरबत्ती लगा देते हैं ठीक है ना। यहाँ पर ये खिले आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टॉप तोड़ ली जाए, एक साइड तोड़ी जाए, एक किनारा तोड़ी जाए, एक दो हजार, ये भी दो तीन रोज से लाई हुई है, तीन रोज से ऐसी खराब हो रही है, देख ले इसको, हाइजीनिक है नहीं, बैक्टीरिया फंगल जो भी है खा रहे हैं, बैक्टीरिया भी जा रहे हैं वायरस, फंगस भी जा रहा है, वायरस हो तो वायरस भी जा रहा है, हाइजीनिक नहीं है। आज टमाटर के पौधे आने थे तिरुपति से 12 फरवरी को, अब वो बोल रहा है किशोर भाई कि मैं 12 बजे पहुँचूँगा, मतलब मुझे लेट कर रहा है वो, देख लेना भाई जरा, आप दूसरों के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, आप क्या काम कर रहे हो, आपका समय दूसरे खराब करते हैं, तो आप जो जीवन में करना चाहते हो तो वो भी सारी व्यवस्थाएं आपके घर होना चाहिए, ट्रैक्टर हुआ, ट्राली हुआ, हर साधन, तो आप जीवन में बहुत बड़ा उपयोग कर सकते हैं,
वहाँ जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो संसाधन आदमी को लेट कर देते हैं, और वो टीम मतलब सक्षम आदमी होता है तो उसी काम को दो आदमी तीन आदमी का एक ही बंदा कर देता है। जैसे कि ये पुताई करना चाहिए, ठीक है, शहर में ये एक बंदे का काम दो तीन ने किया, मजदूर लगाओगे तीन, आप करोगे दो, और वही इफिशेंसी लेबर रहेगा तो अकेला कर देगा। तो ये फ़र्क तो पड़ता है, मकान बनाना कोई वो जिसका जो एक्सपर्ट है वो काम को ईजी कर देगा, कम से कम 150% या 200% तो लाएगा ही लाएगा। वो मजदूर की तुलना में 300 मजदूर 250 मिल रहा है और इफिशेंसी लेबर 500 या 400 में मिल रहा है तो उसे करवाना पड़ता है, क्योंकि ये 600-700 में पड़ जाएगा। जो ने किया ना नॉर्वे का काम करेगा नहीं, ऐसा करना चाहिए, जब उसके हाथ को हैबिट नहीं रहती और व्यक्ति बार बार सोचता है तो टाइम वेस्ट होता है, फिर कर नहीं पाता, अलग से आता है, उसकी मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती है। तो मसल्स मेमोरी होती है, किस तरह से लेगा पेंटर का हाथ ऐसे लेगा उसका ऐसे लेगा, तो मेमोरी पावर भी मसल पावर भी बना हुआ रहता है जो बार बार काम करता है। वो बार बार जो काम जिस काम को करता है तो जैसे दिमाग की मेमोरी होती है वैसा ही कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो अपनी मसल्स हैं उनकी भी याददाश्त रहती है। अब जो काम करते हैं 5-7 महीने रहती है तो वो याददाश्त उतना फिर वो स्ट्रांग बना लेता है वो मसल्स वो अपने आप को। 6 महीने साल भर काम नहीं करोगे तो आपकी मसल्स वीक हो जाएगी, मौत की तरफ बढ़ने लगोगे। तो वर्किंग काम मारने से पहले तक करते रहो, कर सकते हो तो 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट टाइमिंग घटाते जाओ, लेकिन मसल्स मेमोरी रहने दो ताकि वो शुद्ध रहे वहाँ पर। मैं राजा खाने को बंद कर दूँ।